नमस्कार, आप सबका स्वागत है HGN न्यूज में। बॉलीवुड के सुल्तान यानी सलमान खान इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड मूवी टाइगर जिंदा है की शूटिंग के लिए ऑस्ट्रिया में हैं। कहा जा रहा है कि इस फिल्म के लिए सलमान ने अपना वजन करीब 17 किलो तक घटाया है। वैसे सलमान के लेटेस्ट लुक को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने फिल्म के लिए वाकई वजन कम किया है। वैसे अब सलमान भले ही फिल्मों के लिए आसानी से वजन घटाते या बढ़ाते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में एक दौर ऐसा भी था जब वो एक गंभीर बीमारी से जूझ चुके हैं। सलमान खान ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी नामक बीमारी से जूझ चुके हैं, जिसका उन्होंने लंबा ट्रीटमेंट लिया। वे अब भी अक्सर इसके ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका जाते हैं। ये एक न्यूरोपैथिक डिसऑर्डर होता है जिसमें इंसान के चेहरे के कई हिस्सों, सिर, जबड़ा आदि में जबरदस्त दर्द होता है। सलमान पिछले 8-9 सालों से इससे पीड़ित हैं। बॉलीवुड में फैशन आइकॉन के नाम से फेमस सोनम कपूर के बारे में कम ही लोग जानते होंगे कि वो कम उम्र से ही डायबिटिक रही हैं। रोजाना इंसुलिन के डोज के अलावा खास डाइट अपनाने के बाद ही उन्होंने इस बीमारी पर काबू पाया है। कभी उनका वजन भी काफी बड़ा हुआ था। हालांकि अब सोनम इस बीमारी से छुटकारा पा चुकी हैं और बढ़े हुए वजन से भी उन्हें निजात मिल चुकी है। वैसे सोनम के अलावा भी कई सेलेब्स गंभीर बीमारियों से लड़ चुके हैं। डालते हैं उन पर एक नजर, आप देख सकते हैं HGN न्यूज की रिपोर्ट।